चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, थ्री आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर जॉइंड टुगेदर बाय ए थ्रेड एज शोन इन द फिगर। ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। इफ द वेलोसिटी ऑफ द आउटर मोस्ट पार्टिकल इज वी नॉट, ये सी वाला, देन द रेशियो ऑफ द टेंशन ऑफ थ्री सेक्शंस, ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ से चलना शुरू है, ये पार्टिकल चल रहा है वी नॉट वेलोसिटी से। तो सबका ओमेगा तो सेम होगा, सभी पार्टिकल का ओमेगा सबका सेम होगा, लेकिन वी की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, ध्यान रखना इसको, इसकी वी नॉट है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी तीनों की सेम होगी। तो यहाँ थ्रेड में टेंशन अगर मान लेते हैं, यहाँ का थ्रेड में टेंशन टी वन, यहाँ का टी टू और यहाँ का टी थ्री कंसिडर कर लेते हैं। तो इस वाले पार्टिकल सी वाले पार्टिकल पे एक ही टेंशन टी थ्री इधर लग रहा है, लेकिन बी वाले पार्टिकल पे दो टेंशन लग रहा है, एक टी टू इधर लग रहा है, एक टी थ्री इधर लग रहा है, और ए वाले पार्टिकल पे टी वन इधर लग रहा है और टी टू इधर लग रहा है, ठीक है। तो टी थ्री इज इक्वल टू क्या होगा, मास इसका एम है, सबका मास आइडेंटिकल मास है ना, तो स्मॉल एम मानते हैं एम, और एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर कितना होगा थ्री एल, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये पहले पार्टिकल, पार्टिकल सी की बात कर रहे हैं, पार्टिकल सी की बात कर रहे हैं। अब ये वैल्यू हो गई कितनी, थ्री कितनी होनी चाहिए, ये क्यों नहीं आ रहा, थ्री एम एल ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है, एम एल स्क्वायर। अब पार्टिकल सी की बात करते हैं, पार्टिकल सी, इसमें सेंट्रिपेटल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, टी टू माइनस टी थ्री इज इक्वल टू एम इंटू टू एल इंटू ओमेगा स्क्वायर होगी, ये हो जाएगा कितना, टू एम एल ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है, करेक्ट है। अब पार्टिकल ए की बात कर लेते हैं, सेंट्रिपेटल फोर्स टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर होगा। अब टी थ्री की वैल्यू क्या है, यहाँ फिर से हम यहाँ लिखते हैं, टी थ्री इज इक्वल टू है थ्री एम एल ओमेगा स्क्वायर। अगर ये वैल्यू यहाँ रख दी जाए इक्वेशन टू में यहाँ पर, और वो है टी टू माइनस टी थ्री इज इक्वल टू थ्री, ये टू होगा ना, ये टू है, टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। टी थ्री की वैल्यू कितनी है, टी थ्री की वैल्यू कितनी है, थ्री एम एल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो टी टू की वैल्यू हो जाएगी फाइव एम एल ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी टी टू की वैल्यू, ठीक है। अब टी टू की वैल्यू यहाँ रख दो तो कितना हो जाएगा, टी वन माइनस फाइव एम एल ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो टी वन इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, टी वन की वैल्यू, टी वन इज इक्वल टू हो जाएगा सिक्स एम एल ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो टी वन टी टू टी थ्री तीनों का रेशियो चाहिए ना, टी वन इज टू टी टू इज टू टी थ्री कितना हो जाएगा, T1 की वैल्यू सिक्स, नहीं किधर से रेशियो किधर से लेना है, द रेशियो ऑफ द थ्री टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग किधर से लेना है, इधर से या उधर से, इधर से लेना होगा, T3 थ्री इज टू, उल्टा कर देते हैं तीनों पार्टिकल, ठीक है, एजेस से। तो T3 थ्री इज टू टी टू इज टू टी वन कितना हो जाएगा, T3 की वैल्यू थ्री एम एल ओमेगा स्क्वायर इज टू फाइव एम एल ओमेगा स्क्वायर इज टू सिक्स एम एल ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा थ्री इज टू फाइव इज टू सिक्स, टी थ्री इज टू टी टू इज टू टी वन, थ्री इज टू फाइव इज टू सिक्स होगा, थ्री फाइव सिक्स, ये रेशियो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।